नैनीताल पुलिस ने तीन घटनाओं का खुलासा किया है। बैताल घाट में चाकू से हमला करने वाले पंकज जोशी को गिरफ्तार किया है। पंकज जोशी ने बबीता रजवार पर चाकू से गर्दन पर हमला कर दिया था, जिससे पीड़िता घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना ओकलकाड़ा खरन्यू की है, जहां भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी थी। वहीं मुक्तेश्वर में 2 किलो चरस के साथ उज्जवल सिंह को पकड़ा है। इन तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोर्ट में पेश किया है। वहीं एसएसपी ने कहा कि बेताल घाट की घटना में आरोपी युवक पर गाजियाबाद में भी 302 का मुकदमा दर्ज है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। एक तारीख की शाम को एक गांव के एक लड़की के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हमला किया गया और हमला करके उसको घायल कर दिया गया। इसमें तत्काल हमारे द्वारा 307 में FIR लिखी गई और FIR लिखने के बाद में जो हमारी पुलिस की टीम है उसने जो हमलावर है उसकी तलाश शुरू कर दी। और कल हमारी टीम को एक बड़ी सफलता इसमें हाथ लगी, जिसमें पाया गया कि अभियुक्त जो है जो लड़की पर काफ़ी दिनों से गलत नज़र रखता था, उसने लड़की का पीछा किया और लड़की को अकेला पाकर उस पर हमला किया। लड़की ने अपने बीच बचाव में जब विरोध किया तो उसके द्वारा चाकू से लड़की के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके चिल्लाने पर कुछ गांव वालों के द्वारा लड़की की मदद की गई और अभियुक्त वहाँ मौके से भाग गया। बाद में हमारी टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसके द्वारा जो है ये जुर्म होना किया जाना कबूल किया और इस अभियुक्त का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमारे द्वारा निकाला गया, जिसमें 2018 में जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ये 302 के मामले में नामजद अभियुक्त रहा है और अब ये वर्तमान में जमानत पर चल रहा है। जब इसमें इंट्रोगेशन किया गया तो बाद में पता लगा कि जो मृतका के परिजन हैं उनके बयान विरोधाभासी हैं और इसमें जब सख्ती से पूछताछ की गई तो जो